हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएशन किचन। आज हम लोग क्रिएशन किचन में बनाते हैं मेथी के पराठे। मेथी के पराठे खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं और जारे में तो मेथी के पराठे गर्मा गर्म खाने का मजा ही कुछ और है। मेथी सेहत के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। यह जोड़ों के दर्द में भी आराम पहुँचाता है और कई तरीके से ये हमारे शरीर को फायदा पहुँचाता है। तो चलिए शुरू करते हैं मेथी के पराठे बनाना। मेथी के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम की मेथी की एक गड्डी ले ली है। हमारे यहाँ इसी तरह से गड्डियों में ही मेथी आता है। अब मेथी को साफ कर लेते हैं। इसकी मोटी डंडी नहीं डालनी है, इसका सॉफ्ट भाग तोड़ लेना है और इस तरह से जो मोटी डंडी है उसे अलग कर लेना है। इसी तरह सारे मेथी को साफ कर लेना है और डंडियों को अलग कर लेना है। अब मैं इसे पानी से धो के साफ कर लेती हूँ। मेथी को कम से कम 4 से 5 बार अच्छी तरह पानी से धो ले, क्योंकि मेथी में धूल मिट्टी लगी होती है, तो इसे अच्छी तरह से धोना बहुत जरूरी है। और अब इसे छन्नी में धोने के बाद डालते जाएं ताकि इसका पानी जो है वो निकल जाए। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम आटा लिया है, जो कि कप से नापेंगे तो ये 4 कप है। अब इसमें मैं 1 चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच कलौंजी या मंगरेला, जो भी आप बोलते हो वो डाल दे, और चॉप किए हुए 3 से 4 हरी मिर्च डाल दे। आप हरी मिर्च अपने अनुसार डाल सकते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। मैंने यहाँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। आप अपने अनुसार नमक को कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक डाल दें। इससे पराठे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं पराठे को खास्ता करने के लिए थोड़ा रिफाइंड ऑयल डाल देती हूँ, जो कि 3 से 4 चम्मच के करीब डालना है। मैंने जो मेथी धो के रखा था उसे चॉप्ड कर लिया है, इसे भी डाल देती हूँ और इसे आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और इसे गूंधती जाऊंगी। एक बार में पानी बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, नहीं तो आटा गीला हो जाएगा। फिर थोड़ा पानी डालें, फिर जरूरत पड़े तो फिर थोड़ा पानी डालें। मेथी को बारीक या हल्का मोटा भी काटेंगे तो चलेगा। ये आटे के साथ गूंदने के बाद बहुत ही अच्छा मिल जाता है। तो हमारा आटा गूंद के तैयार है। तो इस तरह आटा गूंद के तैयार कर लेना है। तो अब मैं ऊपर से 1 चम्मच ऑयल लगाकर 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए ढक के रख देती हूँ। तो अब आटे को रेस्ट करते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब आटे को चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा आटा जो है वो पराठा बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलते हैं पराठा बनाने। जिस तरह रोटी की लोई बनाते हैं उसी तरह इसकी भी लोई बनानी है। इस तरह इसकी भी लोई को तोड़ लेना है और हाथ में थोड़ा सूखा आटा लगाकर इसे पेड़े की तरह बना लेना है। चकले पे थोड़ा आटा स्प्रिंकल कर ले और इसे रोटी की तरह गोल बेल ले। इसके ऊपर थोड़ा रिफाइंड ऑयल या देसी घी, जो भी आप लगाना चाहते हो लगा सकते हैं। और लगाने के बाद इसे पराठे की तरह फोल्ड कर ले और बेल ले। फिर दूसरा भी इसी तरह बेल लेना है। आप इसे किसी भी शेप में बेल सकते हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर या फिर राउंड शेप में भी बना सकते हैं। आप इसे लोहे के तवे पे, नॉन स्टिक के तवे पे या जिस तवे पे बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे लोहे का तवा लिया है, क्योंकि लोहे के तवे पे पराठा बहुत ही अच्छा सिकता है।
इसे बहुत ज्यादा मोटा या बहुत ज्यादा पतला नहीं बनाना है, नॉर्मल पराठे की तरह ही बनाना है। एक तरफ सिक जाने के बाद इसे पलट दे और जब दोनों साइड अच्छे तरह से सिक जाए तो आप अपने अनुसार ज्यादा या थोड़ा कम ऑयल डालकर लाल करके सेके। लाल करके सेकने से पराठा बहुत ही क्रिस्पी लगता है खाने में। और दूसरी तरफ भी इसे बिल्कुल लाल करके ही सेके। अब ये बन चुका है तो इसे निकाल लेती हूँ, फिर तवे पे दूसरा पराठा डाल लेती हूँ। इसी तरह सारे पराठों को बना लेना है, बिल्कुल दोनों साइड सेक सेक के लाल करके बिल्कुल क्रिस्पी करके बना लेना है। तो ये हमारा पराठा बनके तैयार है। ये पराठा आप गर्मा गर्म ही परोसे और खाए, क्योंकि ये पराठा गर्मा गर्म खाने में ही बहुत अच्छा और टेस्टी लगता है। तो इसका आप ध्यान रखें। इस पराठे को आप जैसे खाना चाहें खा सकते हैं, चटनी के साथ, दही के साथ या फिर अचार के साथ। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।